हरियाणा की सियासत उफान पर है, चुनाव में जोर शोर से चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं और हम हैं अंबाला कैंट में एक बहुत ही बड़े दिग्गज कद्दावर नेता के साथ, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ हैं। इनका रूटीन है लेकिन हम पहली दफा इनसे इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। सियासी बातें होगी, चर्चाएं होगी चुनाव पर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत गहमा गहमी है चुनाव की, आपका नाम पहले भी चर्चाओं में रहता था, अभी भी चर्चाओं में है, लेकिन इस बार चर्चाएं थोड़ी अलग है। पहले तो उन पर हम बात करेंगे, साथ में आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि चुनावी सरगर्मियां इस बार की किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल आप भांप पा रहे हैं? देखिए, इस बार जनता ने अपना मन बना रखा है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है और भाजपा को 400 प्लस लेके जाना है। जो जनता ने मन, मैंने 6 चुनाव जीते हैं और मैं जनता के बीच में तो अनेकों बार गया हूँ, अपने चुनाव के लिए भी और चुनाव भी, कभी लोकसभा का, कभी म्यूनिसिपल कमेटी का, पंचायतों के चुनाव तो हम जाते हैं। जितना रिस्पॉन्स इस बार मिल रहा है आज से पहले कभी नहीं मिला। लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं, इससे पहले कि हम बोले लोग बोलते हैं कि इस बार तो 400 पार। विरोधी कहते हैं कि जुमला है, इससे बड़ा कोई जुमला आज तक बीजेपी की तरफ से आया नहीं है, धरातल पर काम हुआ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। कुछ देर पहले हम ही यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि सिर्फ राम मंदिर के सहारे इस बार तो नैया पार नहीं होगी। देखिए, केवल राम मंदिर की बात नहीं है, राम मंदिर भी बहुत बड़ी बात है कि 500 साल जिसके लिए संघर्ष किया गया और देश की 80-90% जनता के तो वो पूरी तरह से उनकी उसमें आस्था है और वो चाहते रहे। कई आंदोलन हुए, आंदोलनों में मैं भी 2 बार गया, तो अब वो साकार हो गया। अगर विपक्ष कहती है कि मुद्दा नहीं है तो फिर ये क्यों कहते थे कि मंदिर वहीं पर आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? तो मुद्दा था तो आप कहते थे ना, मुद्दा था कि मंदिर भी एक मुद्दा है और अब मंदिर की तारीख भी हो गई, मंदिर बन भी गया और करोड़ों लोगों ने दर्शन भी कर लिए और कर रहे जा भी रहे। किसान किसान किसानी के मुद्दे को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं, बहुत विरोध हो रहा है बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवारों का, आरोप तो ये लगाया जाता है कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, साजिश है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि किसानों में किसान आंदोलन के बाद रोष है, गुस्सा है। देखिए, कारण कुछ भी रहे हों उसके पीछे, लेकिन इस प्रकार से विरोध करना जैसे दुष्यंत चौटाला जी की माता के साथ हुआ या और जगह पे हुआ, ये प्रजातंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। आप करिए, चुनाव से बड़ा और क्या प्रजातंत्र में होता, चोट होती है। आप जाइए, लोगों को समझाइए, पार्टियों वाले अपनी बात समझा रहे हैं, आप अपनी बात समझाइए और 25 तारीख को लोग हिसाब कर देंगे। ये तो कोई ना कोई करवा रहा है किसी प्रकार से आगे पीछे से कि इस प्रकार का कंपेन तो कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार अनिल विज नाराज हैं, अभी भी नाराज हैं, अनिल विज हालांकि डोर टू डोर कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन से वो बात हो पा रही है क्या? मन से भी ज्यादा, और कुछ लोगों की तो राजनीति इसी से चलती है, अनिल विज पर बोल के तो बोले दो। हमारा एक एक वर्कर अंबाला छावनी में पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। हमने यहाँ पे रैली की है, मेरा ख्याल 9 हलकों में सबसे बड़ी रैली होगी वो। हमने यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया, वो भी आज जहाँ हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था जिस प्रिंसिस में, कांग्रेस ने उसी प्रिंसिस में अपनी लोकसभा की रैली की है और उसमें भी आधी कुर्सियां खाली। लेकिन एक बात जो निकल करके सामने आई कि चर्चाओं का दौर रहा, अनिल विज ने वरुण मुलाना को आशीर्वाद दे दिया, वरुण मुलाना चाय पी कर के गए अनिल विज के पास, क्या माजरा था? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोरी राजनीति नहीं हुआ करती, व्यवहारिकता भी है उसमें। उसमें अब मैं और हमारे काफी कार्यकर्ता अपने कार्यालय के नीचे बैठे हुए थे, तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी, हमें नहीं पता किसकी कारें आ रही है, कारें निकली और उन्होंने रोक ली और वो आके बैठ गया, हमने चाय पिला दी। अब इस प्रकार की बातों को भी
जो शिष्टाचार है, कोई भी आपके घर आए, मेरे घर आए, हिंदुस्तान तो इस बारे में माना जाता है कि पानी तो जरूर पूछा जाता है। तो अब उसका कुछ भी वो तस्वीर दिलचस्प थी, मतलब राजनीति अपनी जगह और ये रिश्ते नाते अपनी जगह होने चाहिए, इतनी कटुता भी नहीं होनी चाहिए, और ये यही वरिष्ठता है और यही शायद अनुभव ही होगा आपका। लेकिन नहीं, नहीं, ये तो वरुण मुलाना है ये। अगर हुड्डा साहब भी आएंगे जी, जिनके बारे में मैं रोज बात करता हूँ, तो चाहे तो उनको भी बुलाऊंगा। कभी आए हैं हुड्डा साहब पहले? नहीं नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर वो आए तो चाहे तो बुलाएंगे। आखिर मित्र तो है ही आपके? नहीं नहीं, सभी मित्र हैं राजनीति में। ये ठीक है, हम नीतियों का विरोध करते हैं और हम रोज बात भी उठाते हैं। मेरा ख्याल मेरे से ज्यादा कोई बोलता भी नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिकता अलग है, शिष्टाचार अलग है, भाईचारा अलग है, उसको कभी खत्म नहीं करना चाहिए। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि कितनी सीटें इस बार बीजेपी की आ जाएगी? दावा तो आप लोगों का 11 की 11 सीटें हैं, 10 लोकसभा की और एक जो उपचुनाव विधानसभा के लिए हो रहा है। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि 11 की 11 आएंगी। मैंने पहले दिन ही बोला था कि 11 की 11 आएंगी, और हवा नहीं सुनामी है मोदी की, और आप देख रहे कि सब चित हो जाएंगे और हम ले जाएंगे। लेकिन मेरे को जो लगता है विद साहब की, कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो नाराजगी है, कहीं दिक्कत नहीं देगी आपकी? कहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मैं खुल करके लगा हूं, लेकिन और भी जो पार्टी के नेता हैं उनमें नाम लें कैप्टन अभिमन्यु का, नाम लें ओम प्रकाश धनखड़ का, वेदपाल जो आपके प्रदेश के महामंत्री रहे, और कितनी लंबी फहरिस्त है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि पेड़ हमने लगाया था, छाया कोई और ही ले रहा है। देखिए, सभी काम में लगे हुए हैं। रोजाना समाचार पत्रों में आज भी सभी नेताओं की कहीं ना कहीं से चुनाव कंपेयर में लगे हुए का पता लग रहा है, और सभी लगे हुए हैं। लगे सब हुए हैं, लेकिन मन से लगे हुए हैं क्या? नहीं नहीं, मन से लगे हुए हैं, ऐसे कैसे कोई लग जाएगा? क्योंकि कार्यकर्ता है कोई, वो थोड़ा कि भाई बेमने में भी कुछ जरूरी कोई वो कर रहा है, सब अपने मन से ही करते हैं। साहब, अभी तक तो विरोधी ये आरोप लगाते थे कि बहुत सारे दिग्गज नेताओं को जो मजबूत थे, जनाधार था, उनको साइडलाइन कर दिया। सबसे पहला नाम तो आपका ही, बाकी अंकित ने भी नाम गिनवाए, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, तमाम वो ओम प्रकाश धनखड़ों। अभी दो दिन पहले ही पानीपत शहर से जो पूर्व विधायक थे आपकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा रोहिता रेवड़ी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर पर, कहा कि उनकी गर्दन में सरिया है, वो जो ठान लेते हैं फिर वो हटते नहीं, झुकते नहीं। आपका एक्सपीरियंस? देखिए, उन्होंने ये शब्द कांग्रेस में जाने के बाद कहे, नाराजगी तो पहले से थी, 5 साल पूछा ही नहीं, कहीं बुलाया ही नहीं। ऐसा है तो चुनाव से पहले उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है। अब उसके बाद क्या परिस्थितियां हैं मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कांग्रेस में जाने के बाद कही। अगर पहले कही होती तो फिर बताओ। वो कहते नाराजगी का पता था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोशिश नहीं हुई, और आपके साथ भी हमने पूरे कार्यकाल में देखा कि कुछ न कुछ तो खींचतान चलती रही, और जब बात आई सरकार में चेहरा बदलने की, उसके बाद आपकी नाराजगी थी, आपने जाहिर भी की, लेकिन लंबा वक्त लगा दिया आप तक मिलने में, बातचीत करने में। क्या ऐसा रहा है, ऐसी परिपाटी रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई नाराजगी नहीं है, कोई किसी प्रकार से कभी मैंने उसको व्यक्त नहीं किया, किसी से कोई नाराजगी नहीं। ऐसा है देखिए, शिकवा शिकन उनके मन में रहता है जो व्यक्त नहीं करते, उनके बारे में ऐसी बात कही जा सकती है। मैं तो जो मन में आता कह देता हूँ, चाहे मुझे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है, लेकिन मैं कह देता हूँ। कुछ गाकर भी कह देते हैं कई बार, अपनी जो पंक्तियों के माध्यम से गाने गाकर भी अपनी व्यथा कहें या अपना विचार कहें निकाल देते हैं। नहीं नहीं, आप देखिए ना कि कभी कोई बात किसी तरीके से कही जाती है, कह देते हैं, मन हल्का हो जाता है। और ये जो आपका जो बोलने का अंदाज था ना कहीं हम लोगों को भी लगता है कि उससे नुकसान तो बहुत उठाना पड़ा आपको। आप सबसे सीनियर थे, आपको बहुत कुछ मिलना बाकी था पार्टी में, लेकिन जो बोलना है आपका, साफ रहना है, लोगों के दिल में उतरने की जो बात है, या फिर राजनीतिक मुद्दे उठाने की बात, चाहे आपको अपनी पार्टी सरकार के खिलाफ जाना हो, आपने वो मुद्दे उठाए, सीएमओ के साथ यही खींचतान रही? नहीं, देखिए ऐसा है, प्रजातंत्र और हमारी पार्टी हमें पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने की इजाजत देती है। हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं है जैसे कांग्रेस में चलती थी, इंदिरा गांधी की चलती थी, राहुल गांधी की चलती थी, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है।
पार्टी में अपनी मीटिंग में किसी मुद्दे पर अलग विचार हो सकते हैं, अगर विचार हैं तो वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अलग जिनके जस्ट ए मिनट जिनके विचार ही नहीं है वो क्या कहेंगे, जिसके विचार है कह सकते हैं, लेकिन अमल उसी पे करते हैं जिस पे पार्टी फैसला कर देती है। अब विद साहब से चंद पंक्तियों के माध्यम से भी हम जानना चाहेंगे विचार, क्योंकि आप लगातार अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपने उद्गार भी व्यक्त करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई देशभक्ति की भी पंक्तियां आप लगातार गुनगुनाते हुए, अब गुनगुनाना बंद कर दिया है? देखिए लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, इसलिए मैं तो आपकी गुनगुनाने के भी मतलब निकाले जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अर्थ का भी अनर्थ कर देते हैं। एक बात मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि रोज हम लोग बुलेटिन बनाते हैं, बुलेटिन पढ़ते हैं, आप राहुल गांधी को नहीं छोड़ते, मतलब उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की तो पलटवार जरूर होता है निलविज की तरफ से, ज्यादा लगाव है आपका नहीं, या फिर आपको मजा आता है कि चर्चाओं में बना रहना है कि हेडलाइंस में आ जाऊं? ऐसा नहीं है, देखिए मैं हर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, चाहे वो किसी भी नेता द्वारा है, राष्ट्रीय नेता द्वारा है या प्रादेशिक नेता द्वारा है, और मेरे से अगर उसके बारे में अपनी बात पूछी जाती है तो मैं कह देता हूँ, कोई भी हो जो मुझको लगता है जो मेरी पार्टी का स्टैंड है, जो मेरी पार्टी की विचारधारा है जिसमें जी के हम बड़े हुए हैं, तो मैं उस दृष्टिकोण से अपनी बात कह देता हूँ, बिना लाग लपेट के बोलते हैं। और मीडिया के जो हमारे साथी उनको भी पता है कि ये सवाल अगर आपसे पूछेंगे तो कुछ चटपटा जवाब आएगा, हेडलाइंस बनेंगी। नहीं नहीं, जो माकूल जवाब होता है मैं वही देता हूँ। मोदी जी आ रहे हैं आपके शहर अंबाला में आ रहे हैं, कहीं मतलब कह सकते हैं कि पहली बार आ रहे हैं 2014 के बाद, तो पहली बार कोई आपका भी पुराना प्रेम रहा है, दोस्ती रही है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सारा अंबाला मोदी जी का आने का आंखें बिछाकर इंतजार कर रहा है। मोदी जी एक प्रेरणा स्रोत है, मोदी जी राष्ट्र को आगे लेके जा रहे हैं, मोदी जी के पास विजन है। इतने प्रधानमंत्री आए आजादी होने के बाद से लेके आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने की बात नहीं की, आज विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, यानी सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने की बात की जा रही है। ये विजन पहले कोई आप देखिए प्रधानमंत्री नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बने लाल किले से भाषण देने के लिए के और वहां से स्वच्छता की बात की, भाई पहले प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी ना, अगर पहले प्रधानमंत्री ने आज तक ये बात की होती तो हिंदुस्तान भी सिंगापुर और अमेरिका और इंग्लैंड जैसा हो जाता, पर पहले वो आते थे उनके लिए एक इवेंट था, आते थे 5 साल राज करते थे, मजे लेते थे और बस फिर चले जाते थे। 50 साल तक तो कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस की आप उपलब्धि बताओ, कांग्रेस ने जो कुछ किया, इंदिरा गांधी गरीबी हटाने के नाम पर इस देश से 3 चुनाव लड़ गई, गरीबी खत्म नहीं हुई, और आज राहुल गांधी कहता है मैं गरीबी हटाऊंगा, एक बटन दबा के गरीबी हटा दूंगा, तो क्या लोग विश्वास कर लेंगे? अब वो बातें नहीं रही हैं, लोग हर बात का मतलब निकालते हैं, हर बात की सच्चाई तक पहुंचते हैं, और विश्वसनीयता आज राजनीति में किसी भी नेता की नहीं रही सिवाय हमारी पार्टी के नेताओं के, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, राम मंदिर बनवा के दिया, धारा 370 खत्म करा के दी, 3 तलाक का कानून बना के दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास करा के दिया, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो कहा वो करके दिखाया। लोग यही जानना चाहते हैं कि कहते तो बहुत लोग हैं लेकिन विश्वसनीयता का स्तर कितना है वो केवल नरेंद्र साहब। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो आप कहते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात दिल में है कि मैं ये काम करना चाहता था, अगर मुझे और मौका मिलता, अगर मुझे बड़ा पद मिलता तो मैं करता उसे, कोई टीस है मन में कि मेरा ये काम रह गया, मैं ये करना चाहता था, अभी रहता था आपका, कोई ऐसा प्रोजेक्ट था, काम था? देखिए ऐसा है, ये प्रश्न मेरे से पहली बार जब मनोहर लाल जी बने तब भी पूछा गया और तब भी मैंने जो जवाब दिया था आज भी वही दूंगा। पार्टी मुझे जहां खड़ा करेगी मैं वहीं से सिक्सर मारूंगा। लगातार अब भी जो है अफसर सुनते हैं बात पूरी, हाँ हाँ भी आप कहते हैं सब सुनते हैं, सबका हम काम लोगों के जनता के काम कहते हैं, जनता के काम कभी किसी ने इनकार नहीं किया आज तक, कभी भी नहीं करते। गब्बर की दहाड़ वैसी की वैसी है,
नहीं, अनिल विज उसी भाषा में बोलता है जिसमें पहले बोलता था। तो आप देख सकते हैं कि अनिल विज हैं और पूरे बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जब भी रखते हैं दिल से अपनी बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका खामियाजा भी इनको समय समय पर भुगतना पड़ा है। और हमारे साथ न्यूज 18 के साथ, मेरी सहयोगी सुदेश के साथ, हम सब के साथ विशेष रूप से बातचीत की है। आज चाय के ऊपर बैठे हैं और यहाँ उन्होंने बातचीत करके हर चीज का बेबाकी से जवाब दिया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सरमप्रीत के साथ, सुदेश के साथ, अंकित उदानी, न्यूज 18 अम्बाला कैंट।